देखो लाइफ में ना कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो होती अच्छी हैं पर शर्म आती है उसे बताने में। मतलब ऐसा लगता है कि इससे अच्छा होते ही नहीं है ना। कभी कभी फंस जाता है इंसान। जैसे आफ्टर 12th मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, तो घर वालों ने बोला कि इंजीनियर बन जा। मैंने कहा कॉमर्स इंजीनियर? कहते हाँ बन सकते हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं, मोबाइल इंजीनियर। मैंने कहा उससे बेटर मैं अपने आप को 12th पास कहलाना पसंद करूंगा, है ना यार। क्या मतलब, क्या इंजीनियर आपका लड़का क्या मोबाइल से ही कर देता है, जो शर्म की बात है यार। और ऐसी मुझे फील आती है ना जब देखो, या तो आपके पास गाड़ी ना हो, और गाड़ी हो तो वैगनार ना हो। देखा कितना बुरा लगता है भैंचो, वैगनार। भाई आप बता नहीं सकते किसी को कि आपके पास वैगनार है। भाई उस गाड़ी को देख के ऐसा लगता है कि वो खुद कहना चाहती है कि मैं ही क्यों, और इंडियन लोग पसंद कर रहे हैं। भाई वो पीछे से उसको देख लो ना, तो ऐसा लगता है किसी की मतलब ले लेके सुझा दियो, है ना। देखा ऐसा मतलब अलग ही। मैं सच बता रहा हूं, मैंने 2 बार देखा मतलब ध्यान से 5 मिनट के लिए वैगनार को, मेरे आंखों से आंसू आ गए कि किस तकलीफ में जी रहा है, उसके बाद भी लोगों को लेके जी रहा है। और उससे भी ज्यादा हंसी आती है ना, लोग उसको खरीदने के बाद जब स्टेटस लगा देते हैं, यार सीरियसली वो लगाने की जरूरत है तुम्हें? तो पता है दिल्ली में पार्किंग की कमी है ना, एक वैगनार लेके उसको पार्किंग में रख रहा है। मैं सुझे सच में लगता है कि चोर उसे चुरा लेगा। अबे उसको रोड पे रख यार, उस पे स्क्रैच मारेंगे ना बच्चे तो वो खूबसूरत दिखेगी थोड़ी, उसका चेहरा थोड़ा निखर के आएगा। तो उसको क्या बहन जो सजा के रख रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है यार। ते सीरियसली वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सिक्योरिटी की जरूरत है यार। आप उसको बीच रोड पे रखो, वो भी विंडो हल्का सा खोल दो, लोग उसमें कुछ ना कुछ दे के जाएंगे कि भाई थोड़ा पैसा लगा कुछ सही सी खरीद ले। मेरे खुद के दोस्त पे यार वैगनार थी, लो मॉडल। सच में लो मॉडल भाई, वो जनरेटर जो स्टार्ट करते हैं ना, उस तरीके से उसका विंडो लगाना पड़ता था। मैंने 3 बार बहनचो सफर में विंडो निकाला उतारा, मेरे हाथ उखड़ गए। मैं जो ऐसा लग रहा बहुत मेहनत मजदूरी कर ली हो मैंने। उसके बाद कह रहा थोड़ा प्यार से लगा। मैंने कहा इसको प्यार से लगाऊं मैं? भाई उतारना ही नहीं है। और उसके बाद वो ना क्या करता, उसके जिंदगी में कुछ काम नहीं था, वो यही देखता था कि वैगनार खूबसूरत कैसे दिखे। मेरे को कहता था कि इसको मॉडिफाई करवा दो। मैंने इसको कहता हाँ मैं करवा दे। कह रहा क्या करवाऊं? मैंने कहा जो तेरा दिल करे वो करवा दे। कहता एलोय व्हील लगवा दूं? देखिए एलोय व्हील के लायक है वो? कहता फिर क्या करवाऊं? करा जा दुकान वाले से बात कर, मुझसे क्या बोल रहा है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं यार। तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी भाई, स्प्लेंडर वाले से पूछ रहा है। मैं प्राउड फील करता था भाई, वैगनार चाहिए भी नहीं थी मुझे। कोई सच में देता तब भी नहीं, भाई रख ले अपने पास कोई बात नहीं, मैं स्प्लेंडर में खुश हूं, मेरे को नहीं चाहिए वैगनार। वो गया मॉडिफाई करवाने, बहन जो दुकान वालों ने मना कर दिया। हाँ कहता कि एक भोले बाबा का स्टिकर लगा लो, इसके लिए यही बहुत है। भोले बाबा के स्टिकर लगा के आ गया, कह रहा करवा दिया मॉडिफाई। मैंने क्या करवाया? कह रहा स्टिकर लगवाया। मैंने कहा और? कहता दुकान वाले ने कहा यही इसके लिए बहुत है। हाँ उसको लेके हम ट्रिप पे गए, बहुत खुश थे। हमने कहा बहन जो ट्रिप विप करेंगे, मतलब फर्स्ट ही ट्रिप था, हमें क्या पता बहन जो पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएगी। भाई पहाड़ पे खींच रहे हो उसे, आधे रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, हैंड ब्रेक के बाद भी पीछे आ रहा है। भाई उतर के चलती बहन जो वैगनार को पीछे से उतर के उसको हमने लाश की तरह उस पर धक्का लगा लगा के यार, कई बहन जो पहाड़ी अपने कंधों पे चढ़ाया उसे खींच के। मैंने कहा कट्टा ले आता बड़ा, लात के हमीज के कंधे पे लेके घुमा लाता, क्योंकि ये हमें घुमाने नहीं लाई है, हम इसको पहाड़ पे घुमाने लाए हैं। बहन जो यार सच बता रहा हूं, मुझे सच में नफरत है वैगनार से। मैं वैगनार देख लेता हूँ ना, और उसमें बंदा देखता हूँ बहन जो स्माइल करता हूँ, मैं तो खुश क्यों है ये बहन जो, इसको मातम मनाना चाहिए था। मैक्सिमम भाई देख लो कैब में यूज करते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है। बहन जो उसकी भी डिमांड होगी, CNG पे चल जाती है, बहुत किलोमीटर चल जाती है, चलती रहती है, खत्म ही नहीं होती, क्योंकि चलती ऐसी है। आप वैगनार में बैठे हो, बगल से बहनचो सच बता रहा हूं स्विफ्ट जैसी गाड़ी भी निकले ना, तो वो अपने आप को रास्ता बहनचो खिंच जाती है, यूं रास्ते से उतर जाती है भाई, कांप जाती है। हाँ एक बार भाई दोनों तरफ से पार्किंग में लगी हुई थी, दोनों तरफ से गाड़ी ही लगी हुई है, अब टेंशन में वो, अरे यार गाड़ी तो नहीं ला सकता, ये आगे पीछे लगी हुई है और ये पता नहीं ओनर कहाँ है। मैंने कहा वैगनार के लिए तू ये सब सोच रहा है? मैंने कहा रुक मैं आता हूँ।
मैं गया, उसने एक तरफ से हाथ दिया, मैंने उठा के हमने साइड में डाल दिया। क्या है वो, डब्बा ही तो है ना, डब्बे के लिए कौन इतना सोचता है यार। उससे भी हंसी की बात कि एक दोस्त को ससुराल वाले गिफ्ट में वैगनार दे रहे थे, उसने मुझसे आके पूछा वैगनार कैसी गाड़ी है, मैंने 2 मिनट बोला, उसने रिश्ता ही तोड़ दिया उनसे। थैंक यू गाइस।